हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूँ आप लोगों के साथ में केवी। सो गाइस, फेस्टिवल सीजन्स आ गए हैं एंड फेस्टिवल सीजन में हम लड़कियों को आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो हम कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे होते हैं कि कहीं हमें कुछ अफोर्डेबल मिल जाए, कहीं कुछ अच्छा मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो हमारे बजट में आ जाए। तो गाइस, ज्वेलरी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेकअप के कुछ प्रोडक्ट जिन्हें मैंने रिसेंटली परचेज किया। एंड गाइस, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे बजट में आ जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे परचेस किया है और मेकअप का ऑलमोस्ट सामान है इसमें, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में इतने सारे मेकअप के प्रोडक्ट हैं। तो इनमें अभी क्या क्या है पता नहीं, बट जो भी चीज़ें मैंने परचेस करी थी ना, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमारे पास में है एक ये आई शेडो पैलेट जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल होने के साथ साथ में ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पैकेजिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली हुडा ब्यूटी का है एंड इसमें शेड्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स हैं। आप देख सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट खाली कर चुकी हूँ इसको यूज़ करके। इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे न्यूट कलर भी मिल जाते हैं और बहुत सारे शिमरी कलर भी मिल जाते हैं। एक बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ न्यूट कलर ही आपको मिलते हैं, या फिर बहुत सारे आई शेडो पैलेट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ शिमरी कलर ही मिलता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको शिमरी कलर भी मिल जाएंगे और न्यूट्स कलर भी मिल जाएंगे। तो ये वाले आई शेडो से ना आप बहुत ही अच्छा सा आई मेकअप कर सकते हो, ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 220 का पड़ा था मुझे। वाइज, अगर आप इसे परचेस करना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वाइज, हमारे पास में है कि किस ब्यूटी का बहुत ही अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटर पैकेजिंग एंड ये इसकी इनर पैकेजिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा लवली है गाइस। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है, बट कहीं से मुझे ये मिल गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख रहे हो कि इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ये इसका स्पॉन्ज थोड़ा सा लूज है बट बहुत अच्छा है स्किन में ना, बहुत अच्छा। और ये देख रहे हो आप कि मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ इसे एंड मैं और मेरी सिस्टर दोनों यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपने ऊपर से कुछ भी लगाया या फिर ऐसा कुछ। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, लैक्मे का लूज पाउडर एंड बहुत ही अमेजिंग है गाइज, देख रहे हो आप। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड इसमें हमें ये कुछ इस तरीके का लगाने का मिलता है, इस टाइप का पाउडर रहता है, लाइक बहुत ही अच्छा। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। मेकअप के कलेक्शन में ये वाला चीज़ भी आप रख सकते हो, अगर आपको अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए तो ये वाला डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इसमें गाइज ये एन वाइबे का प्राइमर, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटू सा, तो इतनी ज़्यादा प्राइमर की जरूरत पड़ती है नहीं, इसलिए मैं ये क्यूट सा छोटा सा ही परचेस करती हूँ और ये काफ़ी सही लगता है मुझे। वाइबे का प्राइमर सिलिकन बेस्ड प्राइमर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो अगर आप भी बिगनर्स हो, लाइक बहुत ज़्यादा मेकअप करना आपको नहीं आता है, बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट नहीं है, बट आप कुछ मेकअप के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो ये वाली चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। एस क्यू का स्टेक वर्की का फाउंडेशन, तो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बट बहुत अच्छा बोलूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा फाउंडेशन नहीं लगा क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है इसकी, लाइक लिक्विडी ज़्यादा है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, बट मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली है तो मुझे ये ऑयली स्किन के लिए उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगा। ये लिक्विड फाउंडेशन है, इस पर लिखा भी हुआ है कि ये लिक्विड फाउंडेशन है, पर उस टाइम शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था, और इसमें विटामिन ई भी है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसमें फिटमी का फाउंडेशन एंड छोटा सा पैक है इसका और काफ़ी अच्छा है फाउंडेशन, तो इससे मैंने रिसेंटली मेकअप लुक भी क्रिएट किया था, आपने देखा होगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये मेरी स्किन के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने अलग से फाउंडेशन वगैरह लगाया या फिर ऐसा कुछ। सो आई लव इट, आप इसको ट्राई कर। मेरे पास में है ये मैक का, ये है मस्कारा और ये है आईलाइनर, तो बहुत ही अच्छा सा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसके जो ब्रिशल्स हैं ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके ब्रिशल्स ना बहुत ही अच्छे हैं। इससे जब हम मस्कारा लगाते हैं ना, लाइक बिल्कुल ये हमारी पलकों को घना दिखाता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे। एंड अभी तक का ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, आई लव दिस। एंड ये जो है ये इसके साथ में मुझे मिला हुआ था, कॉम्बो पैक था और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास में है ये दो छोटे छोटे से आईलाइनर है, ये ब्लू कलर का और ये ब्लैक कलर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा शिमरी शेड में आता है ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला थोड़ा सा मैट में है एंड रियली लव दिस आईलाइनर, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, छोटू से हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल था। तो गाइज़, अगर आप भी
आईलाइनर लवर हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। मेरे पास में है यहाँ पर फेस कैनेडा का एक ब्यूटीफुल सा आईलाइनर, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा मुझे, बट मुझे अच्छा लगा ये आईलाइनर, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। शायद ब्लैक कलर का है, अफोर्डेबल भी है, वाटरप्रूफ है, तो गाइज इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये है एनवाइवे का आईलाइनर, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं आपके साथ में बहुत पहले शेयर करी थी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। उस टाइम में मैंने इसको परचेज़ किया था फर्स्ट टाइम, एंड इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि अभी मैंने इसको सेकेंड टाइम मंगाया है। अफोर्डेबल है, ऊपर से इसकी जो पैकेजिंग है ना, इसके साथ में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। पैकेजिंग देख रहे हो आप कितना क्यूट है, मतलब क्या ही कहूँ। और इसकी जो हैंडल है ना, इसकी वजह से ना ये लगाना बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है मेरे लिए। और तीसरी चौथी बात प्रूफ है, और बहुत टाइम तक ये हमारी आइज़ पे वैसे ही टिका रहता है जैसा कि हम इसे लगाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम आईलाइनर तो लगाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आईलाइनर हमारे आइज़ पे रह नहीं पाते हैं, बट इसको मैंने देखा बहुत अच्छा है। लेकिन शादियों के सीजन आ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये एक और है किस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, तो ये वाला आईलाइनर इनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने पहले कभी भी जेल आईलाइनर यूज़ किया नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा मेरा मन था कि इसको मैं ट्राई करूँ, इसलिए मैंने अभी अभी इसको परचेस किया, और अभी तक मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है। तो इसकी पैकेजिंग देख रहे हो आप कुछ इस तरह की होती है, और आप देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे से दो ब्रशेस मिले हुए हैं मुझे, और ये ब्रश मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, लाइक अच्छे लग रहे हैं ये ब्रशेस मुझे काफ़ी ज़्यादा। एंड इसके बाद में जो है ये इसमें आप देख रहे हो कि ये एक आईलाइनर एंड एक ये आईलाइनर, तो क्यूट सा है, बट अभी तक मैंने ना इसको ट्राई नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं पता। बट अगर आपने ट्राई किया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और इसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, एंड इसका अलग से आपके साथ में रिव्यू भी शेयर करूँगी। क्योंकि जेल आईलाइनर के बारे में ना काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जेल आईलाइनर का रिव्यू शेयर करो हमारे साथ, तो क्योंकि मैं अभी तक जेल आईलाइनर कभी लगाया ही नहीं, तो रिव्यू कैसे शेयर करती आपके साथ। बट हाँ, आपके रिक्वेस्ट में मैंने इसको मंगवा लिया है, और डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूँगी और आपके साथ में इसका सेपरेट रिव्यू भी शेयर। पर एक और ये लाइक फाउंडेशन है, एलोवेरा के स्पेक्स हैं, और एलोवेरा तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता ही है, एंड इसको मैंने अभी बहुत सारा ट्राई नहीं किया है, बट मैं ट्राई करूँगी इसको, सब में शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा। फाउंडेशन है ये, लाइक फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी, फाउंडेशन का कलर, एवरीथिंग इज़ लाइक फाउंडेशन। तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। पैकेजिंग कुछ इस तरह की है इसकी, आउटर पैकेजिंग, एंड इनर पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो वाओ, ये भी अच्छा है। ये मेकअप करने के बाद आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करके रखो, तो ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लाइक काफ़ी अफोर्डेबल है, अच्छा लगा। मैंने भी पहले कभी मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं किया है, बट ये वाला मेकअप फिक्सर मुझे अच्छा लगा। कुछ इस तरह से आपको स्प्रे करना होता है, और ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो है ये लास्ट चीज़ है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको भी मेरी तरह बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है, लाइक आपने बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया, उसके बाद में क्या होता है, बेबी हेयर्स निकल के आते हैं, है ना, जैसे कि झाँक रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, कुछ उस टाइप के बेबी हेयर्स निकल के आते हैं। तो अगर आपको भी वो वाली प्रॉब्लम है जो कि मुझे है, लाइक कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लेती हूँ एंड कभी कभी मेरे बेबी हेयर्स निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ कर भी नहीं सकते। लाइक हम अपना हेयर स्टाइल भी ख़राब नहीं कर सकते और बेबी हेयर्स को कट भी नहीं कर सकते, तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो उसके लिए ना ये काफ़ी अच्छा है, ये एक तरह का केराटिन हेयर मिस्ट है। लाइक आपने हेयर स्टाइल बना लिया, उसके बाद में अगर आपको वो वाले हेयर्स परेशान कर रहे, तो आपको क्या करना होता है, लाइक बस इसको ऐसे शेक करना है और दूर से अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लेना होता है, लाइक दिस, एंड उसके बाद में आप आराम से इसको ऐसे कर लो, दैट्स इट। बस के बाद में जितने भी बेबी हेयर्स होते हैं ना, वो सारे सो जाते हैं, आपको हाय हेलो नहीं करते। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा गुड वाइफ्स का कैरेटीन हेयर मिस्ट है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। अफोर्डेबल के साथ साथ मैंने बहुत ही काम की चीज़ है। ये कुछ अफोर्डेबल मेकअप के प्रोडक्ट थे जिन्हें मैंने पर्सनली यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं, आपके पास में भी बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है, और आप चाहते हैं क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में मेकअप के प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप इन सारे प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। एंड गाइज आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।